वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे 10 सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौवे शिलालेख। सवाल नंबर टू, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान और रियासत क्यों शुरू की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजार नियंत्रण। सवाल नंबर तीन, फतेहपुर सीकरी की इमारतें किसकी बनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल पत्थर की। सवाल नंबर फोर, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60%। सवाल नंबर पांच, जॉर्डन नदी निम्नलिखित में से किस में समाहित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर। सवाल नंबर छः, विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल 1948 को। सवाल नंबर सात, दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। धन्यवाद। सवाल नंबर सात, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। सवाल नंबर आठ, धोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातिया का धर्म रीति है? काफी अच्छा सवाल है, एक बार फिर से सुन लीजिए। धोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति रिवाज है उनका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर नौ, सिलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। सवाल नंबर टेन, मौर्य काल के दौरान खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? एक बार फिर से सवाल को सुन लीजिए, मौर्य काल के दौरान खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मतंतिका का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, सवाल नंबर, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, यदि आप जवाब जानते हैं तो लिखेंगे क्यू फॉर यू। इसका राइट आंसर लगे आपको कि ऑप्शन नंबर बी सही है तो आप लिखेंगे क्यू फॉर यू डॉट बी लिख करके कमेंट करेंगे। तो सवाल को देखिए, भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ओके, आप यहीं पे वीडियो रोक लीजिए, सोचिए, कहीं से सर्च कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्यू फॉर यू लिख करके। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिए और
और भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।